दोनों ने अपनी गोटी ऐसी फिट की, मैं एक धर्म में राज करूंगा तो दूसरे धर्म में राज कर। अगर दोनों एक ही जगह चले जाते तो एक ही धर्म पर राज करते, पर एक कुल का दोनों परंपराओं पर राज हुआ। और तीर्थंकर नेमिनाथ वो तो बचपन से ही वैराग्यवासित थे, उनके विवाह करने की कतई अभिलाषा नहीं थी, लेकिन सत्यभामा रुक्मणी आदि भाभियों ने जबरदस्ती आग्रह करके एक दिन वचन मांगकर तीर्थंकर नेमिनाथ, राजकुमार नेमिनाथ जिनको अरिष्ट नेमी भी कहते हैं, उनसे वचन ले लिया कि वो विवाह के लिए तैयार हो गए। और तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए महाराजा उग्रसेन के पास, और उस युग की सबसे महान सुंदरतम राजकुमारी राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल का हाथ अपने भाई के लिए मांगा। समुद्र विजय के लिए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वो तैयार हो गए, और महाराजा उग्रसेन के लिए तो खुशी की कोई सीमा नहीं कि उनकी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के भाई के साथ नेमिनाथ के साथ हो रहे हों। बड़े खुश हुए, विवाह की तिथि तय की गई, और चूंकि बारात की व्यवस्था का दायित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संभाला था, सो दुनिया की ऐसी अद्भुत बारात निकली, ऐसी अद्भुत बारात निकली जिसमें करोड़ों लोग बारात में शामिल हुए, करोड़ों लोग बारात में शामिल हुए। आप यूं समझे, यहां से लेकर जयपुर जितनी लंबी बारात निकली, धरती के इतिहास की इतनी बड़ी बारात कृष्ण ने निकाली कि दुनिया याद रखे कृष्ण ने अपने भाई की बारात कितनी वैभव से निकाली। और जब बारात चलती चलती राजा उग्रसेन के द्वार पर पहुंची कि थोड़ी दूरी पर ही नेमिनाथ का रथ चल रहा था, अरिष्ट नेमी का रथ चल रहा था, और उन्होंने वहां पर पशुओं के क्रंदन की आवाज सुनी। पशुओं के क्रंदन की आवाज सुनकर उन्होंने अपने सारथी से कहा, यह पशुओं के चीखने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? सारथी ने कहा, वो देखिए सामने, वहां पर पशुओं को बांधा गया है, हजारों हजार पशुओं को बांधा गया है। आप क्षत्रिय वंश के हैं तो आपके वंश में कई ऐसे भी राजा महाराजा आएंगे, कई ऐसे राजकुमार आएंगे, कई ऐसे बाराती आएंगे जो मांस का सेवन करते हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए ताजा मांस की व्यवस्था हो, इसलिए यहां पर हजारों पशु बांधे गए हैं। नेमिनाथ ने सोचा, अरे ऐसे विवाह का मैं क्या करूंगा कि जिस विवाह को करने से पहले ही इतने हिंसा के काम हो रहे हैं, भला वो विवाह होने के बाद मुझे जीवन भर तक इतने हिंसा के निमित्त करने पड़ेंगे। उन्होंने अपने सारथी से कहा, सारथी जाओ और ये जो पशु बांधे हुए हैं इनके दरवाजे को खोल दो, सारे पशुओं को मुक्त कर दो। सारथी ने कहा, महाराज आप नहीं जानते राजकुमार, कृष्ण भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे और तो और राजा उग्रसेन हमें दंडित कर सकते हैं। नेमी ने कहा, राजकुमार नेमी ने कहा, तू मेरा सारथी होकर इतना घबराता है क्या? मेरा इतना सा काम नहीं करेगा, जा और जाकर के पशुओं के बाड़े का दरवाजा खोल दे। नेमिनाथ के आदेश पर पशुओं को मुक्त कर दिया गया, सारे पशु उधर उधर भग गए, बारात में थोड़ी खलबली मच गई। और तब नेमिनाथ ने, जो बिल्कुल राजुल के द्वार पर पहुंच चुके थे, राजुल अपने गवाक्ष में से नेमी को निहारे जा रही थी और मन ही मन खुश होती जा रही थी, नेमी को निहार कर मन ही मन खुश हो ही जा रही थी, मुझे कितना प्यारा प्रियतम मिल रहा है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि यह प्रियतम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो परमात्मा का प्रियतम है। और नेमी राजकुमार ने तब सारथी को आदेश दिया, मेरे रथ को घुमा लो और मेरे रथ को ले चलो गिरनार की पगडंडी की ओर। मैं ये विवाह नहीं करूंगा, मैं ये शादी नहीं करूंगा, मुझे ये विवाह मंजूर नहीं है। मेरा जन्म शादी और विवाह के लिए नहीं, मेरा जन्म तो साधना और सिद्धि के लिए है। मैं मोक्ष के मार्ग में जाऊंगा, मैं तीर्थंकरत्व के मार्ग में जाऊंगा। और आखिर
नेमी के आदेश पर सारथी ने अपना रथ गिरनार की पगडंडी की ओर मोड़ लिया। गिरनार पर पहुंचे नेमीनाथ और वहां पर पहुंचकर नेमीनाथ ने संन्यास दीक्षा प्रवज्य स्वीकार कर ली। इधर पूरी बारात में खलबली मच गई, महाराजा उग्रसेन के यहाँ खलबली मच गई। राजुल को यह खबर लगी तो वो तो चित्कार मारकर रोने लगी, बेहोश होकर गिर पड़ी। सखियां बार बार पानी डालती, गुलाब जल डालती, उसे थोड़ा सा होश आता और वो अपने मुंह से नेमी 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 करती रहती, नेमी नेमी करती रहती अपने मुंह से। लेकिन नेम तो चले गए, सखियों ने कहा अच्छा हुआ नेमी चले गई, सो चले गए अच्छा हुआ। अरे विवाह के बाद तुम्हें छोड़ते तो बड़ी मुश्किल हो जाती, तुम्हारे लिए राजकुमारों की कमी नहीं, एक नहीं हजार चाहिए तो मिलेंगे, नेमी से हजार गुने सुंदर मिलेंगे, तू क्यों चिंता करती है। राजुल ने कहा संभव नहीं है, मैंने अगर अपने अंतर्मन में किसी का वरण कर लिया है तो मेरे पति एकमात्र एकमात्र अगर एकमात्र मेरे पति रहेंगे तो वो नेमी कुमारी रहेंगे, इसके अलावा किसी का सोचना भी मेरे लिए पाप है। राजुल अपनी आंखों से जर जर आंसू बहा रही है, अपनी आंखों से जर जर आंसू बहे जा रही है, उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। उसे लगा कि भगवान को अगर साधना के और मोक्ष के मार्ग पर जाना था तो मैं कौन सा मना करने वाली थी, लेकिन मुझे भी साथ लेके चले जाते तो मैं भी साधना में सहयोग करती और मैं भी संत जीवन स्वीकार करती, साधना करती। लेकिन भगवान ने ये क्या किया कि मुझे यहाँ पर छोड़ दिया और खुद गिरनार पर चले गए। राजुल ने संकल्प किया, ठीक है प्रभु, इस जन्म में आप मुझे छोड़ के चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपके रास्ते को नहीं छोड़ूंगी, और जिस पथ पर तुम गए हो नेमी, मैं भी उसी पथ पर आऊंगी, मैं भी तुम्हारी शिष्या और सन्यासिन बनूंगी, और ईश्वर की सौगंध मैं यहां तुमसे न मिल पाई पर मैं भी इतनी साधना करूंगी कि मोक्ष में तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी। जहां तुम जा रहे हो साधना करके मोक्ष में, मैं भी उतनी साधना कर लूंगी नेमी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही मोक्ष में जाऊंगी। यहां न मिल पाए तो क्या हुआ, पर वहां तो मैं सदा सदा के लिए तुमसे मिल ही जाऊंगी। वैसाख में तोड़े साख पलट ली आंख, जोग की ठानी जोगन भैरा जुल रानी, जोगन भैरा जुल रानी। वैसाख में तोड़े साख पलट ली आंख, जोग की ठानी जोगन भैरा जुल रानी। कमर सीधी कर ली, बहुत प्यारा गीत है ये, संगीत धीमे धीमे ताली के संगीत में गाएंगे अपन, मीठी मीठी ताली के संगीत में। वो राजुल, अरे कल्पना करो, इस धरती पर चार महान नारियां ऐसी हुई जिन्होंने अपनी ईश्वर की आस्था के चलते और अपनी आंखों में बहने वाले आंसू के चलते भगवान को प्राप्त कर लिया। नंबर एक, चारों नामों को सदा याद रखिएगा, और चारों ही नारियां हुई। नंबर एक मां मरुदेवी, उसने ऋषभ देव के लिए आंसू बहाए, मोक्ष प्राप्त कर लिया। नंबर दो चंदन बाला, उसने प्रभु महावीर के लिए आंसू बहाए और मोक्ष प्राप्त कर लिया। नंबर तीन महासती राजुल, कि जिसने नेमीनाथ के लिए आंसू बहाए और सन्यास को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और नंबर चार मां मीरा, जिसने आंसू बहाए तो मोहन उसके द्वार पर चले आए। वैसाख में तोड़े साख पलट ली आंख, जोग की ठानी जोगन भई। कल्पना कर लो, वहीं चलो गिरनार की धरती पर चलते हैं। जूनागढ़ से गिरनार चली, जूनागढ़ से गिरनार चली, वो शीलवती नाजों में पली। जूनागढ़ से गिरनार चली, वो शीलवती नाजों में पली, चली उग्रसेन का छोड़ के दाना पानी, चली उग्रसेन का छोड़ के दाना। जय, बड़ी प्यारी पंक्ति।
जूनागढ़ से गिरनार चली, वो शीलवती नाजों में पली। जूनागढ़ से गिरनार चली, वो शीलवती नाजों में पली। चली उग्रसेन का छोड़ के दाना पानी, वो चली उग्रसेन का छोड़ के दाना पानी। जो कण भैरा जुल रानी, वैसाख में तोड़े साख, पलट ली आँख जोग की ठानी। जो कण भैरा जुल रानी, राजुल नारी जाति का सिरमौर है। किसी भी महिला का हाथ हाथ में न रह जाए महासती राजुल के सम्मान में। बहुत मीठी मीठा आनंद ले ले। सखियों अब मन में धीर धरो, सखियों अब मन में धीर धरो, मेरे चिंतन को न अधीर करो। सखियों अब मन में धीर धरो, मेरे चिंतन को न अधीर करो। बिन नेम नेम बिन कैसी मेरी कहानी, बिन नेम नेम बिन कैसी मेरी कहानी। जोगन भैरा जुल रानी, वैसाख में तोड़े साख, पलट ली आँख जोग की ठानी। जोगन भैरा जुल रानी, जोगन भैरा जुल रानी। प्रभुवर की शरण में जाऊंगी, नेमी की शरण में जाऊंगी, मैं निश्चित मुक्ति पाऊंगी। नेमी की शरण में जाऊंगी, मैं निश्चित मुक्ति पाऊंगी। यही अमर सुहाग है मेरी अमर कहानी, यही अमर सुहाग है। जय हो। यही अमर सुहाग है मेरी अमर कहानी। जोगन भैरा जुल रानी, वैसाख में तोड़े साख, पलट ली आँख जोग की ठानी। जोगन भैरा जुल रानी, जोगन भैरा जुल रानी, जोगन भैरा जुल रानी, जोगन भैरा जुल रानी, जो गन भई राजल रानी। उग्रसेन समझाती रह गए, सखियां समझाती रह गई, पर राजुल तो उसी रास्ते पर निकल पड़े जिस रास्ते पर नेमी गए थे। पहुंची नेमीनाथ के पास, अपनी आंखों में झरझर आंसू बहाए जा रही थी, और नेमीनाथ के श्री चरणों में पहुंचकर उनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने भी क्या गजब किया, अपनी दासी को, अपनी प्रियतमा को, अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को आप पीछे छोड़कर आ गए। अरे जरा सोचो, आपके बिना मैं कैसे रह सकती थी, मैं भी आपके श्री चरणों पर आ गई। पर प्रभु अब अगर आपने साधना के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए हैं तो मैं अंतराय नहीं दूंगी। प्रभु मैं आपके साथ हूं और मैं भी संकल्प लेती हूं कि मैं भी साधना के मार्ग पर अब अपने कदम बढ़ाऊंगी। और तब आंखों में आंसू भरकर उसने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, सौभाग्य कहां सह गमन करूं, सौभाग्य कहां सह गमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर्तो। सौभाग्य कहां सहगमन करूं, मेरा ये तो सौभाग्य नहीं कि मैं आपकी सहधर्मिणी बनकर, आपकी पत्नी बनकर आपके साथ साथ चल सकती, अब ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा। सौभाग्य कहां सहगमन करूं, अनुगमन करूं, यानी आपके पीछे पीछे आपकी शिष्या बनकर चल सकूं, ये तो मुझे सौभाग्य दो। सौभाग्य कहां सहगमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा वर दो। जो हाथ हाथ में नहीं दिया वो हाथ शीश पर दो। जो तुमने हाथ मेरे हाथ में ना दिया प्रभु, केवल इतनी कृपा करो कि आज मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं, तो ये दोनों हाथ मेरे हाथ में भले ही मत दो,
पर मेरे सिर पर रखने का सौभाग्य तो मुझे दे ही दो। और तब नेमिनाथ ने, धरती के इतिहास में ऐसी पहली घटना हुई जब नेमिनाथ ने अपनी ही होने वाली पत्नी, होने वाली क्या हो ही चुकी थी, अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से दीक्षा, संन्यास, साधना का वो पवित्र मार्ग दिया। अरे कोई पुरुष हो तो तीर्थंकर नेमि जैसा, और अगर कोई नारी हो तो राजल जैसी। और श्रावण शुक्ला छठ के दिन महाश्रवणत्व भगवान ने स्वीकार किया, और उनकी प्रथम शिष्या उनकी ही होने वाली पत्नी राजुल बनी। भगवान ने 1000 वर्ष तक अपना आयुष्य पूर्ण किया। इस धरती पर प्रेम, शांति और धर्म का मार्ग वे फैलाते रहे। और आषाढ़ शुद्धी अष्टमी के दिन, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के दिन गिरनार की पवित्र पहाड़ी पर भगवान ने अपने नश्वर काया का त्याग किया, और उनकी वो निर्धूम ज्योति दिव्य सत्ता में, मोक्ष में, परिनिर्वाण में, मुक्ति में समाहित हो गई, और इस तरह भगवान का निर्वाण हो गया। बोलिए तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जय हो। जिनका नाम लेने मात्र से जिह्वा धन्य हो जाती है, वो तीर्थंकर थे भगवान श्री आदिनाथ, भगवान श्री ऋषभदेव की वेदों में भी जिनकी गाथाएं गाई गई, वेदों में भी जिनकी स्तुति की गई, वेदों में भी जिन्हें भगवत पुरुष स्वीकार किया गया, वो हुए तीर्थंकर आदिनाथ। वे ही आदिनाथ कि जिनसे 24 तीर्थंकरों की धारा शुरू हुई, जिनसे लोगों ने लिखना, बोलना, पढ़ना, खाना, पीना, कमाना और लेखन की कला, असी, मसी, कृषि, खेती करने की सारी कलाएं जिनसे सीखी, वे ही तीर्थंकर आदिनाथ हुए। भगवान श्री आदिनाथ तीर्थंकरों की धारा के प्रथम तीर्थंकर हैं। भले ही हम महादेव कहें या आदिनाथ कहें, दोनों ही हिमालय के वो परम पावन भगवान हैं कि जिनके नाम स्मरण मात्र से हमारी जिह्वा धन्य हो जाती है। कहते हैं अयोध्या नगरी में चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन नाभी राजा की महारानी मरुदेवी की कुक्षी से भगवान श्री ऋषभदेव का जन्म हुआ। उस समय कल्प वृक्ष की परंपरा थी, और कोई भी व्यक्ति न तो खेती करता था, न मेहनत करता था, न भोजन बनाता था। जिसको जब भूख लगती कल्प वृक्ष के पास जाता, निवेदन करता कि हमें भूख लगी है, कल्प वृक्ष उन्हें अपने आप भोजन दे देता और लोगों का पेट भर जाता। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष होने बंद हो गए, कम हो गए, और आखिर सारे नगरवासी, सारी जनता इकट्ठी होकर राजकुमार ऋषभदेव, ऋषभ कुमार के पास पहुंची और जाकर निवेदन किया कि इस तरह कल्प वृक्ष होने बंद हो गए हैं, अब हम भोजन कैसे करेंगे, पेट कैसे भरेंगे। तब भगवान ने खेती की कला सिखाई, असी, मसी, कृषि, ये सारी कलाएं भगवान ने मानव जाति को दी। उस समय युगलिंग पैदा होते थे, यानी प्रत्येक माँ के पेट से 2 युगल एक साथ पैदा होते थे। एक लड़का पैदा होता था, एक लड़की पैदा होती थी, दोनों साथ साथ पैदा होते थे, और बड़े होने पर ही दोनों का विवाह हो जाता था। तब तक ये परंपरा थी, एक माँ के पेट से हमेशा 2 ही संतान पैदा होती, एक लड़का पैदा होती, एक लड़की पैदा होती। लेकिन वर्ण संकर न हो इसलिए भविष्य में इस प्रथा को बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक, जब तक युगल धर्म चलता रहा, तब तक युगलिक पैदा होते रहे, और वे ही बड़े होकर परस्पर उनका विवाह हो जाता। भगवान श्री ऋषभदेव के 2 विवाह हुए, एक तो सुनंदा से विवाह हुआ और दूसरा सुमंगला से विवाह हुआ। भगवान ने पुरुषों को 72 कला का ज्ञान दिया और स्त्रियों को 64 कला का ज्ञान दिया। भगवान के 100 पुत्र थे, भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र थे, पर भगवान की पुत्रियां 2 थी, नाम मालूम है ना, ब्राह्मी और सुंदरी। भगवान ऋषभदेव की 2 पुत्रियां थी, एक थी ब्राह्मी, एक थी सुंदरी, 2 भगवान की पुत्रियां थी। और भगवान के जब सारे पुत्र आत्मनिर्भर हो गए तो भगवान ने चैत्रवदी अष्टमी के दिन केश लुंचन करके प्रवज्ञा दीक्षा स्वीकार कर ली। समस्त तीर्थंकर 5 मुष्टि का लोच करते हैं, पर भगवान ऋषभदेव ने 4 मुष्टि से ही लोच किया। जब उनके 2 इधर के बाल बचे रह गए लंबे लंबे, तो इंद्र ने कहा, प्रभु ये आपके बाल बड़े सुनहरे लग रहे हैं, बाकी बाल तो आपने हटा लिए, लेकिन पीछे जो बाल आपके लटक रहे हैं वो ये बड़े सुंदर लग रहे हैं मुझे, अगर आप मुझ पर कृपा करें तो इन बालों को मत हटाइए। और भगवान ने इंद्र का मन रखने के लिए अपने वे बाल न हटाए, और इस तरह भगवान ने केवल 4 मुष्टि का ही लोच किया। भगवान वहां से रवाना हुए।
साधना के लिए दीक्षा प्रवृत्ति स्वीकार करके साधना के मार्ग पर रवाना हुए। नगर नगर में जाते, गांव गांव में जाते, लेकिन जहां पर जाते कोई उन्हें हाथी घोड़ा सामने लेकर आता, कोई राजा उनके सम्मान में आता, कोई हीरों का थाल लेकर आता, कोई मोतियों की माल लेकर आता, कोई सोने के थाल लेकर आता, कोई अलग अलग धन लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए आता, ये सोचकर कि हमारे राजा संत बन गए, हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम उन्हें मोती सोना चांदी हीरे जवरात हाथी घोड़ा अपनी कन्याएं भेंट करेंगे। लेकिन भगवान तो इन सब का त्याग कर चुके थे, वो किसी को स्वीकार नहीं करते। भगवान तो आहार की तलाश में थे, वो तो भोजन की तलाश में थे, और लोग सोचते अरे भला इनको भोजन क्या दें, ये तो हम सब लोगों को भोजन देते हैं, इनको तो बड़ी से बड़ी उत्तम से उत्तम चीजें हम प्रदान करेंगे। और तब एक पर एक, एक दिन दो दिन चार दिन, एक महीना दो महीना छह महीना आठ महीना नौ महीना दस ग्यारह बारह महीने बीत गए। भगवान गांव गांव जाते, घर घर जाते, डगर डगर पर जाते, पर उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने मुंह से नहीं मांगूंगा भोजन। और कोई भी आदमी ये सोचकर उन्हें भोजन नहीं दे रहा था, अरे इनको भोजन क्या देना, ये तो हम सब लोगों का पेट भरते हैं, इनको तो हम हीरे जवरात मणि माणिक्य मोती अपनी कन्याएं भेंट चढ़ाते लोग लाकर के कि राजन ये स्वीकार करो। लेकिन भगवान मौन और साधना में निरंतर आगे बढ़ते गए और इस तरह 13 महीने पूरे हो गए, लेकिन भगवान को आहार नहीं मिला। ये भी एक पूर्वोपार्जित कर्म का परिणाम था। पिछले जन्म में भगवान एक सार्थवाह थे, एक सेठ थे, अपने साथ 500 बैलगाड़ियों का एक लवाजमा लेकर वो धंधे के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बैलगाड़ी का चक्का टूट गया, बैलगाड़ी का चक्का टूट गया, सो उसको ठीक कराने के लिए पास के दूसरे गांव में उन्हें लेकर जाना था। सो जाते जाते उन्होंने बैल के मुंह पर छींकणा बांध दिया। क्या बांधा? छींकणा समझते हैं, क्या कहते हैं उसको? जाली बांध दी, बैल के मुंह में जाली बांध दी, इसलिए ताकि वो पीछे सारी घास खाकर खत्म ना कर दे। सोचा हम घंटे दो घंटे में आ जाएंगे, तब वापस आकर छींकणा खोल देंगे। लेकिन वहां पर विलंब लग गया और 13 घंटे बाद भगवान वो पूर्व भाव में उस बैलगाड़ी के टूटे हुए चक्के को ठीक करा कर लाए। 13 घंटे बाद आए, उधर बैल भूखा प्यासा था, 13 घंटे बाद आकर उसका मुंह का छींकणा खोला, तब बैल ने पानी और भोजन स्वीकार किया। जो जो करते हो, ये तो खेती में बीज बोना है, पुण्य करोगे तो भी 1000 गुना लौट कर आना है, और पाप करो तो भी 1000 गुना लौट कर आना है। 13 घंटे तक एक बैल को भूखा रखा, जिसके परिणाम स्वरूप एक तीर्थंकर को भी 13 महीने तक अंतराय लौट कर आते हैं। और तब भगवान के जब 13 महीने पूर्ण हो गए, अक्षय तृतीया के दिन वैशाख शुक्ला तीज के दिन भगवान चलते चलते हस्तिनापुर नगर में पहुंचे, जहाँ पर उनका अपना ही प्रपौत्र राजा श्रेयांस का राज्य था। उसने जब भगवान को आया हुआ देखा तो वो भी भगवान के सम्मान के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आया, लेकिन भगवान ने इन सब को स्वीकार न किया। भगवान वापस लौटने लगे, तभी उसके मन में आया कि क्यों न मैं भगवान को आहार के लिए कहूँ। अभी अभी खेतों से 108 सोने के घड़े गन्ने के रस से भर कर आए हैं। उसने भगवान से कहा कि प्रभु इक्षु रस, गन्ने का रस स्वीकार करने की कृपा कीजिए। और तब भगवान जो 13 महीने से आहार की तलाश में थे, वे वापस लौट आए राजा श्रेयांस के राजमहल में, और वहाँ पर भगवान ने अपने कर पात्र में, आज भी आपने देखा होगा ना, लोग चांदी के संबोधि धाम में लगभग सभी लोगों ने वर्षी तप के पारण देखे हुए ना, हर साल होते हैं आखा तीज को यहाँ पारणे, देश में सब जगह होते हैं, पालीतना में, हस्तिनापुर में, संबोधि धाम में भी होते हैं। और आपने देखा होगा छोटे छोटे घड़ों से हम क्या करते हैं, गन्ने का रस पिलाते हैं। और तब भगवान ने 108 सोने के कलशों का गन्ने का रस स्वीकार किया, और तब वहाँ अहोदानम 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 की उद्घोषणा हुई, और भगवान के 13 महीने के उपवास की तपस्या पूरी हुई। इक्षु रस से किया पारणा आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस से किया पारणा आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। कमर सीधी के परीक्षण के दिन है,
आनंद ले लो। कोई भी जाने की जल्दी ना करे अपने घर पर, खूब आनंद ले लीजिए। ऐसा कर मैं उदय में आया, बारह मास आहार न पाया, सुखी कल्प तरु सी काया, फिर भी दिल से नहीं घबराया। ऐसा कर्म उदय में आया, बारह मास आहार न पाया, सुखी कल्प वृक्ष सी काया, फिर भी दिल से नहीं घबराया, फिर भी दिल से नहीं घबराया। घर घर में नित जावे गोचरी, घर घर में नित जावे गोचरी, देवे सब सम्मान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस से किया पार, मीठी मीठी ताली का आनंद ले लो। जय आदिनाथ भगवान की। कोई हाथी घोड़ा लावे, रत्न थाल कोई पहरावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, रत्न थाल कोई पहरावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, प्रभु देख पाछा फिर जावे, प्रभु देख पाछा फिर जावे। घर घर में नित जावे गोचरी, घर घर में नित जावे गोचरी, देवे सब सम्मान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस से किया रे पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। विचरत विचरत महल में आया, जय भाई। साधना का मार्ग बड़ा क्लिष्ट होता है, जो चलता है ना वही समझता है कि साधना का मार्ग कितना कठिन होता है, लेकिन उस कठिन मार्ग पर चलते हुए कितना आनंद रहता है हृदय में, जिसकी हद मैं अभी अभी आज प्रवचन में आने में विलंब क्यों हुआ पता है? चंद्र प्रभु जी महाराज का केस लुंचन कर रहा था, और अंतिम केस लुंचन करके उनको प्रणाम करके निकल कर आया, और जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मेरे मन में भाव हुए। मैंने कहा प्रभु तुमने कितना दिव्य साधना का मार्ग दिया है, कितना दिव्य साधना का मार्ग दिया है, तुम्हारे प्रति श्रद्धा से कर, अरे तुम्हें तो मोक्ष पाना था इसलिए तुमने अपने बाल अपने हाथ से उतारे थे, लेकिन प्रभु हम तो केवल तुम्हें पाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी श्रद्धा से भरकर तुम्हारी याद में अपने हाथों से अपने सिर के बाल उतारते हैं। केवल प्रभु के प्रति अपने श्रद्धा से भरकर कल्पना करो, 13 महीने तक भगवान ने निराहार जीवन जिया, मैं उनको तो प्रणाम करूंगा, लेकिन उनके पीछे आज हजारों हजार श्रद्धालु प्रतिवर्ष केवल अपने भगवान की श्रद्धा के पीछे वर्षी तप की तपस्या करते हैं, और वर्ष भर तक उपवास करके भगवान की भक्ति करते हैं। यही तो आनंद है भाई। जय हो प्रभु तेरी जय हो। विचरत विचरत महल में आए, भगवान की भक्ति का आनंद ले लो, जिसको भी भगवान ने हाथ दिए मुंह लटका के कुर्सी पर मत बैठे रहिए। मैं एक एक को पूछूं, देख लो जिसको भी भगवान ने हाथ दिया। पता है मैं आपको बताऊं, ये जो महिला आगे नृत्य कर रही है ना, भगवान की भक्ति में कौन है ये मालूम है? ये जो संत बैठे हैं ना, इनको जन्म देने वाली माँ है।
विचरत महल में आया, विचरत महल में आया, भोजन दोष रहित नहीं पाया, भोजन दोष रहित नहीं पाया। प्रभु लौट कर बाहर आया, प्रभु लौट कर बाहर आया, श्रीयांस कहे हे मुनिराया, इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, यही लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आज प्रभु कर पात्र बनाया, 13 महीने का उपवास, यही कल्पना कर लो, भगवान हमारे आंखों के सामने हैं और उन्हें इक्षु रस को देने का सौभाग्य हम लेंगे। आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, कुमर से लड़ी रस बहराया, कुमर से लड़ी रस बहराया, किया पारणा जन मन भाया, तीन लोक में आनंद छाया, घर घर हर्ष सवाया गाया, घर घर हर्ष सवाया गाया, सुर नर मंगल गान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। संतों की माताएं कैसी होती है मैं आपको बताऊं? हाँ माता जी प्रणाम। ये पूरा धर्म संघ आपका आभारी है कि आपने शांति प्रिय जैसे संत को इस धर्म संघ को प्रदान किया। संतों की माताएं कैसी होती है मैं बताऊं आपको? हम लोग एक बार बनारस में थे, हम दो भाई अलग पढ़ाई के लिए रह रहे थे, पूज्य पिताजी महाराज शहर में रहते थे, करीबन 14 किलोमीटर दूर हम पढ़ाई के लिए रहते थे। वहाँ एक दिगंबर संत महाराज आए हुए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, हम भी उनके पास गए शाम को, उनकी तबीयत बिगड़ गई, रात को और ज़्यादा बिगड़ती रही, और आखिर डॉक्टर ने कहा कि इनको पानी पिला दिया जाए। संत रात को पानी नहीं पीते हैं, कम से कम जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं वहाँ तो प्राण निकल जाए तब भी। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें दवा देनी पड़ेगी, इनको पानी पिलाना, तो पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, इनके कोई शरीर में पेट में कोई रोग हो गया है, पानी इनको जरूर पिलाना पड़ेगा। पर वो संत तैयार न हुआ, संत तैयार न हुआ। आखिर सब भक्तों ने मिलकर उनकी माँ को बुलाया, माँ को ज़्यादा समझाया तो माँ अंदर गई, पर माँ इतनी महान निकली और अंदर जाकर अपने से बेटे से कहा कि बेटा जन्म तो हर बार मिलेगा पर जीवन मिली हुई प्रतिज्ञा को तुम कभी मत तोड़ना। माँ हो तो ऐसी। और इधर भगवान तो साधना के लिए निकल पड़े और उधर मां मरुदेवी, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान, स्त्रियां सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पुत्रों को जन्म देती है, पर मां मरुदेवी तुम्हें ही यह सौभाग्य मिला कि तुमने भगवान ऋषभ देव को जन्म दिया, तुम्हें ही यह सौभाग्य मिला, धरती के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को जन्म देने का सौभाग्य मरुदेवी को मिला। और ऋषभ देव तो जंगलों में साधना में लीन हो गए, वो तो माँ और बाप को भूल ही गए, इधर माँ अपने बेटे की याद में, माँ का मोह, माँ का प्रेम, माँ तूने तीर्थंकरों को जन्मा है, अरे तेरे ही दम पर यह संसार बना है, तू ही पूजा तू ही मन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है, माँ तूने तीर्थंकरों को जन्मा। उधर माँ मरुदेवी अपने बेटे की याद में, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा। वो भरत को कहती, भरत जा पता करके आ, अरे तुम तो यहाँ राजमहल में बैठे हो, तुम सब बेटों ने मिलकर मेरे बेटे को अपने घर से निकाल दिया है, वो बेचारा जंगल में है, नंगे शरीर चल रहा है, नंगे पाँव चल रहा है, खाने को रोटी नहीं होगी, सर्दी में पहनने को कपड़े ना होंगे, धूप में तप रहा होगा, तुम तो राजमहल के सुख भोग रहे हो भरत बाहुबली, अरे जाकर मेरे बेटे की सार संभाल लो, तुम सब एक नंबर के स्वार्थी निकले जिनको अपने पिता की चिंता नहीं, सब राजमहल में बैठे हो। और वो अपने बेटे की याद में आंसू बहाती जा रही है, आंसू बहाती जा रही है, 1 महीना 2 महीना वर्ष 2 वर्ष बीत गए और आंसू बहाते बहाते मरुदेवी की आंखें ही चली गई,
आंसू बहाते बहाते बरदेव की आंखें ही चली गई। एक दिन यकायक राजा भरत ने आकर अपनी दादी माँ से कहा, दादी माँ अरे लो लो, तुम जिनको रोज याद करती हो ना, आज ऋषभ देव हमारे सेवा में खड़े हैं। वहां तो सोने के समोसन बने हुए हैं, हीरे के मुकुट वहां पर तो लोग पहने हुए खड़े हैं। अरे तुम्हारे बेटे की रिद्धि सिद्धि समृद्धि देखेगी ना तो तू तो दंग रह जाएगी। मुर्दीवी ने कहा, अच्छा ले चल बेटा, मुझे ले चल। तब हाथी के हौदे पर इस पर हाथी के हौदे पर राजा भरत अपनी दादी माँ मरुदेवी को लेकर आदिनाथ प्रभु के और रवाना हुए। नगर के बाहर पहुंचे, बहुत दूर समोसन बना हुआ था और भरत अपनी माँ से कहते, देखो दादी माँ, अरे तुम नहीं देख पा रही, मैं देख रहा हूँ। क्या वहाँ पर सोने के सिंहासन हैं, हीरों के हार जड़े हुए हैं, चांदी का समोसन बना हुआ है, सोने का समोसन बना हुआ है, रत्नों का समोसन बना है। माँ अरे तुम्हारे बेटे की रिद्धि तो गजब की है। मरुदेवी ने कहा, क्या सच? उसने कहा, हां दादी मां बिल्कुल सच। और मरुदेवी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैं अपने बेटे के मुंह में व्यर्थ चिंता कर रही थी, वो तो खुद ही तीन त्रिलोकी का। बोल बोल भोल भोल आदेशर बाला, काई थारी मर्जी रे, के मासू मुंढे बोल। भोल भोल आदेशर बाला, काई थारी मर्जी रे, के मासू मुंढे बोल। माता मरु देवी बाट जोवती, सभी गाएंगे, सभी आनंद इस गीत का, सबसे प्यारा गीत है। मीठी मीठी ताली, जो पीछे लोग बैठे हैं इस भजन से वंचित न रहे। बोल बोल आदेशर वाला, काई थारी मर्जी रे, के मासूम मुंडे बोल। बोल आदेशर वाला, काई थारी मर्जी रे, के मासू मुंढे बोल। माता मरु देवी बाट जोवती, इतरे बधाई आ जय हो। अरे माता मरु देवी बाट जोवती, इतरे बधाई आई रे। आज ऋषभ जी उतरिया बाग में, आज ऋषभ जी उतरिया बाग में, सुन हर खाई रे रे, के मासू मुंडे बोल। बोल बोल हाँ बोल बोल आदेशर वाला, कई थारी मर्जी रे, के मासू मुंडे बोल। बोल बोल आदेशर वाला, कई थारी मर्जी रे, के मासू मुंडे बोल। जय हो जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो। गज असवारी करी मोरा देवी माता रे, नाय धोय ने गज असवारी करी मोरी देवी माता ये। हर जाय बाग में नंदन निरख्यो, जाय बाग में, हर आदमी गाले, अरे अपनी जीभ को धन्य कर लो, अपने कंठ को धन्य कर लो। बाग में नंदन निरख्यो, पाई साता रे, के मासू मुंडे बोल। बोल बोल वाला बोल।
बोल बोल आदे सरवाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल 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 आदे सरवाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल दिन भर बैठी बात जोबती कद मारो रिश्वो आवे रे कहती भरत ने आदिनाथ री कहती भरत ने आदिनाथ री खबरा ला दे रे के मासूम सब बोलेंगे कोई भी अच्छा न रह जाए सर वाला कई थरी मर्जी रे मासूम मुंडे बोल 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 वाला बोल बोल आदे सर वाला कई थरी मर्जी रे मासूम मुंडे बोल किस आदेश मा गयो रे बाले सर कुछ बिन वनिता सुनी रे बात कहो दिल खोल लाल क्यों बन गया मुनी रे के मासूम मुंडे बोल ओ लंबा मैं देऊं कटे तक पाछो क्यों नहीं बोले रे दुख जननी रो देख आदे सर हिवड़े डोले रे के मासूम मुंडे बोल 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 वाला बोल बोल बोलो बोल बोल आदे सर वाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल 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 आदे सर वाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे जो लोग पीछे बैठे हैं जो लोग पीछे बैठे हैं देख लीजिए भीतर में अगर प्राण है आत्मा है आनंद लीजिए भक्ति का प्रेम से जय हो पर्युषण का दिन आदिनाथ का जन्म वांचन जय हो और बोल बोल आदेश्वर वाला बोल 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 आदेश्वर वाला कई हरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल मन त्य भावना भाई माता निज आत्म ने तारी अनित्य भावना भाई माता निज आत्म ने तारी रे केवल पाम्या मोक्ष सिधाया केवल पाम्या मोक्ष सिधाया बोलो केवल पाम्या मोक्ष सिधाया जन वंदना हमारी रे के मासूम मुंडे बोल 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 आदे सर वाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल 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 वाला बोल बोल आदे सर वाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल 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 आदे सर वाला कई थरी मर्जी रे के मासूम मुंडे बोल 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 अरे बोल बोल तू तो बोल बोल वाला बोल बोल आदे सर वाला कहीं थारी मर्जी रे तू मासूम मुंडे और माँ मरुदेवी अपने पुत्र के उस विराट वैभव को देखकर आत्मविभोर हो गई और मन ही मन अनित्य भावना भाने लगी क्या हो मैं तो व्यर्थ में ही अपने पुत्र के मोह के पीछे पागल हो गई थी अरे इसके तो रिद्धि सिद्धि के अंबार लगे हुए हैं और ये भावना भाते भाते अपने ही पुत्र को प्रणाम करने की भावना भाते भाते उस संत जीवन की अनुबोधना करते करते धरती के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ऋषभ देव किसी तीर्थंकर को मोक्ष होने से पहले अरे बेटा हो तो ऋषभ देव जैसा
जिसने अपने मोक्ष की व्यवस्था पीछे की, अपनी माँ का मोक्ष और मुक्ति की व्यवस्था हाथी के हौदे पर बैठे बैठे ही माँ को मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर दी। हाथी के हौदे पर बैठे हुए ही माँ को मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर दी। जिस मोक्ष को पाने के लिए महावीर को 12 साल तक साधना करनी पड़ी, जिस मोक्ष को पाने के लिए ऋषभ देव को 13 महीने तक भूखा रहना पड़ा, उस मोक्ष को अपने बेटे ने माँ मरुदेवी के श्री चरणों में हाथी के हौदे पर बैठे बैठे ही अपनी भाव दशा की शुद्धि, भाव दशा की मुक्ति, अपने अंतःकरण की निर्मल भाव दशा के चलते माँ मरुदेवी ने अपने बेटे की याद में कुछ आंसू बहाकर वो मोक्ष बड़े आराम से अनायास पा लिया। और मां मरुदेवी मुक्ति में, परम ज्ञान में, परम केवल दर्शन में सिद्धत्व को उपलब्ध हो गई। तीर्थंकर ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें 2 मुख्य थे, भरत और बाहुबली। भरत चक्रवर्ती बनना चाहते थे, पर बाहुबली अपने भाई की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। दोनों में युद्ध होता है, युद्ध सैनिकों में होने के बजाय परस्पर मल्ल युद्ध, हस्त युद्ध, मुष्टि युद्ध, जल युद्ध होते हैं। और उस युद्ध में भरत बार बार पराजित होने लगते हैं, बार बार भरत पराजित होने लगते हैं। तब युद्ध की मर्यादा को छोड़कर भरत अपने हाथ में रहने वाला चक्र अपने भाई पर छोड़ देते हैं। भाई पर चक्र काम नहीं करता, बाहुबली की 3 परिक्रमा लगाकर वापस आ जाता है। और तब भरत को मुट्ठी मारने के लिए, मुक्के से भरत को मारने के लिए बाहुबली अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। तभी सोचते हैं, अहो ये क्या जमीन के टुकड़े, कौन सा नगर, कौन सा राज्य, कौन सी राजसभा, कौन से राजमहल, कि भाई भाई का दुश्मन हो गया और जिसके चलते मैं अपने ही भाई पर मुट्ठी का प्रहार कर रहा हूं। और तब वो निर्णय लेते हैं कि मैं मुट्ठी का प्रहार नहीं करूंगा, अपने भाई को मुट्ठी नहीं मारूंगा, मुक्का नहीं मारूंगा, पर उठा हुआ हाथ वापस कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। सो ये सोचकर भाई को मुक्का मारने के बजाय अपने हाथों से अपने सिर के बाल ही तोड़ लेते हैं। और वो बाहुबली राजा नहीं रहते, रूड़ा राज महल ने त्यागी, ए तो चालियो रे जाए वीतरागी, एनी अंतर दृष्टि जागी, ए तो चालियो रे जाए वीतरागी। और वो बाहुबली जो द्वेष से भरकर अपने भाई को मुट्ठी का प्रहार कर रहे थे, उनके भीतर वीतराग की ऐसी भावना जगी कि मुट्ठी का प्रहार भाई पर करने के बजाय अपने सिर पर मुट्ठी ले आए, अपने हाथों से अपने बालों का लुंचन किया, संत बन गए, अणगार बन गए और साधना के मार्ग पर चल पड़े। जंगल में जाकर साधना करने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बीता, पर यह सोचकर भगवान ऋषभदेव के पास नहीं गए, जब तक परम ज्ञान न मिल जाए मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे भाई वहां पर दीक्षित हैं, मैं तब तक उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे अपने छोटे भाई को वंदन करना पड़ेगा। और इस भाव से भरकर बाहुबली वहीं जंगल में साधना में लीन रहे। 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 12 साल तक भगवान बाहुबली जंगल में एकनिष्ठ साधना में लीन रहे। सांपों ने आने जाने का रास्ता बना लिया, लताएं उनके शरीर पर उगाई, उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह हो गया, लेकिन बाहुबली न हिले सो न हिले। जब तक परम ज्ञान न मिल जाएगा मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इधर बाहुबली और भरत की दोनों बहनें ब्राह्मी और सुंदरी भगवान के पास खड़ी थी। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे भैया इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, आखिर उनको परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? भगवान ने कहा, कोई कितनी भी साधना कर ले, पर जिसके मन में अहंकार का कांटा अगर गड़ा हुआ है उसे परम ज्ञान नहीं मिलता। जाओ अपने दोनों बहनों, जाओ और अपने भाई को संदेश दो कि जब तक तुम इस अहंकार को नहीं छोड़ोगे तब तक परम ज्ञान नहीं मिलेगा। और अंततः दोनों बहनें ब्राह्मी और सुंदरी वहां पहुंचती है। और वहां पर जाकर बाहुबली जहां पर ध्यान में खड़े होते हैं, वहां जाकर बाहुबली के सामने खड़े होकर वो कहती है, वीरा मारा गज थकी उतरो। वो बहनें कहती है, वीरा मारा गज थकी उतरो, कि गज चढ़िया केवल नहीं होगा, तुम अगर हाथी पे चढ़े रहोगे तो परम ज्ञान न मिलेगा। ध्यान में खड़े बाहुबली को अपनी बहनों की आवाज आई, उन्हें लगा मैं कौन सा हाथी पर, अरे मेरी बहनें साध्वी बन गई तब भी झूठ बोल रही है, मैं पांव पे खड़ा हूं, मेरे पांव जमीन पे खड़े हैं, और मेरी बहनें कहती है कि तुम हाथी पे खड़े हो, मैं कौन सा हाथी, कहां हाथी, कहां घोड़ा, कहां राजवैभव, मैं तो सबका त्याग करके आ गया, भला मेरी बहनें इस तरह मुझे उलाहना क्यों दे रही है कि हाथी से नीचे उतरो, जब तक हाथी से नीचे नहीं उतरोगे तब तक परम ज्ञान न मिलेगा।
और तब उन्होंने आत्मचिंतन किया, कौन सा हाथी, मेरी बहनी झूठ नहीं बोल सकती, अरे कौन सा हाथी, अरे कौन सा हाथी, हाँ मैं अहंकार के हाथी पर बैठा हूँ कि जब तक परम ज्ञान न होगा छोटे भाइयों के पास नहीं जाऊँगा, वो पूर्व में संत बने उनको प्रणाम करना पड़ेगा, परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वहाँ जाऊँगा, ये अहंकार के हाथी पर मैं चढ़ा रहा, सो परम ज्ञान न हुआ, मैं जाऊँगा अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करूँगा, मैं जाऊंगा अपने से छोटे भाइयों को भी प्रणाम करूंगा जो पहले संत बन चुके हैं, मैं अहंकार नहीं रखूंगा, और अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए जैसे ही बाहुबली ने एक कदम बढ़ाया कि कदम बढ़ाते ही उनको परम ज्ञान केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। जो काम अहंकार से भरी हुई 12 साल की साधना न कर पाई, वो काम विनम्रता से भरा हुआ पल भर का संकल्प कर गया, और तब बाहुबली अपने भाइयों को प्रणाम करने के लिए रवाना हुए। तीर्थंकर ऋषभदेव ने अखिल मानवता का कल्याण किया, और कल्याण करते करते वे अंततः हिमालय पर अष्टापद तीर्थ पर पहुंचे, और वहां पर जाकर माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन भगवान श्री आदिनाथ ने अपनी नश्वर काया का परित्याग किया, और वो अनश्वर चेतना में विलीन हो गए, उनकी ज्योति परम ज्योति में निर्धूम होकर विलीन हो गई, और वे परिनिर्वाण और मोक्ष को उपलब्ध हो गई। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आनंद आ गया तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को सुनते हुए। कल्प सूत्र में इसके बाद कुछ महान संतों का जीवन चरित्र है, जिन महान संतों ने अपने जीवन को उन ऊंचाइयों के साथ छुआ कि वे भले ही सिद्ध और मुक्त न हो पाए हों, लेकिन उनके करीब पहुंच गए, उन आचार्यों का जीवन चरित्र है। कल्प सूत्र में एक चरण पूरा हुआ जिसका नाम था जिन चरित्र, और दूसरा चरण है वो है स्थविरावली। स्थविरावली में मूलतः उन महान संतों का जीवन चरित्र है जिन्होंने जिन धर्म परंपरा को चहुमुखी विकास का आयाम दिया। कहते हैं भगवान श्री महावीर के 9 गण थे और 11 गणधर थे। भगवान के प्रथम गणधर होने का सौभाग्य यों तो गणधर गौतम स्वामी को है, पर परंपरागत आचार्य सुधर्मा स्वामी को भगवान की पट्ट परंपरा पर विराजमान किया गया। आचार्य सुधर्मा स्वामी 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया था, और 100 वर्ष की उम्र में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। जिनका नाम हम श्रद्धापूर्वक अपनी जिह्वा पर लिया करते हैं वो है महापुण्यवान महान संत जम्बू स्वामी, है ना, जिन्होंने अपनी 8 खूबसूरत रानियों का परित्याग करके संत जीवन स्वीकार किया था। वो जम्बू और कोई नहीं, भगवान श्री महावीर की दूसरी पट्ट परंपरा में आचार्य सुधर्मा के शिष्य आर्य जम्बू के रूप में हुए। राज्य गृह के सेठ ऋषभदत्त की पत्नी धारिणी के पुत्र जम्बू जब वो युवा हो गए, भगवान के पावन वचन उनके हृदय को रास आ गए थे, पर माता पिता की इच्छा थी कि पहले विवाह कर लो फिर संत बनना, और तब जम्बू ने 8 महान राजकुमारियों के साथ विवाह किया। उसी रात को जो सुहाग रात थी, जम्बू स्वामी ने सुहाग रात के दिन अपने 8 रानियों को एक साथ एक कक्ष में बुलाया और बैठकर उन्हें संसार की नश्वरता का पाठ पढ़ाया कि संसार के सुखों को व्यक्ति कितना भी भोग ले लेकिन व्यक्ति का मन तृप्त नहीं होता। मेरे अंतर मन की यह कामना है, मैं ऐसे मार्ग का वर्णन करूं जहां पर जाने से व्यक्ति का मन तृप्त होता हो, मन को शांति मिलती हो, अपूर्व शांति मनुष्य के अंतर मन को मिलती हो। मुझे ऐसा मार्ग ऐसा रास्ता लेने की इच्छा हो रही है। रात भर अपनी अलग 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 उन 8 पत्नियों को जम्बू समझाते रहे और समझते समझते आखिर उन 8 के बात समझ में आ गई, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा कि आप हमें छोड़कर जाएं, अगर आप भी संत बनेंगे तो हम भी 8 संत बनेंगे। उसी दिन रात को वहां पर प्रभव नाम का एक डाका डालने के लिए जम्बू के यहां पहुंचा, यह सोचकर कि आज शादी हुई है तो बड़ा धन दहेज में आया होगा, क्यों ना उसी धन को लूटा जाए। वे लोग सब पहुंच गए, मकान के इर्द गिर्द छतों पर इकट्ठे हो गए, ये सोचकर कि जम्बू सोए और उनकी रानियां सोए तो उसके बाद हम यहां पर लूट मचाएं, चोरी करें। लेकिन प्रभव भी जम्बू के कक्ष बाहर बैठा बैठा रात भर इंतजारी करता रहा, और जम्बू की बातों को सुनकर उसे लगा कि मैं भी कैसा मूर्ख हूं, अरे ये तो मिले हुए धन को छोड़कर संत बनने जा रहा है और मैं इसी के धन को लूटने के लिए आया हूं। और जम्बू के वैराग्य भरी बातों को सुनकर वो सुहाग रात न हुई, वो सुहाग रात भी संयम और वैराग्य की रात हो गई।
अगले दिन सुबह जंबू ने संकल्प लिया कि मैं संत बन रहा हूं, तो आठों पत्नियां भी तैयार हो गई, संत बन रहे हैं। वो प्रभव डाकू जो 500 साथियों के साथ आया था, उन्होंने सोचा, अरे मूढ़ जरा सोच, जिंदगी भर धन को लूटता रहा और उसे धन मिला है, ये भी दान करके संत बन रहे हैं। तो उन 500 डाकुओं ने भी संकल्प लिया कि हम भी संत बनेंगे। जब उन कन्याओं के माता पिता को खबर लगी कि जंबू और हमारी कन्याएं संत बन रही है, तो उनके माता पिता भी तैयार हो गए, हम भी संत बनेंगे। और जंबू के माता पिता भी तैयार हो गए, हम भी संत बनेंगे। अरे एक का हृदय क्या बदला, एक क्या संयम के मार्ग पर चला, अपने साथ 527 लोगों के साथ आर्य जंबू ने दीक्षा और प्रवज्ञा स्वीकार की। 527 लोगों के साथ जंबू ने दीक्षा स्वीकार की और वे आर्य सुधर्मा के पट पर हुए, जंबू स्वामी के पट पर आर्य प्रभव हुए और आचार्य प्रभव के पट पर आर्य संयम भव हुए। संयम भव जब दीक्षा ली तो उनकी पत्नी गर्भवती थी और दीक्षा लेने के बाद पत्नी ने जन्म दिया बच्चे को, बच्चे का नाम था मनक। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो गांव के लोगों ने उसे कहा कि तू तो अपने पिता को भी नहीं जानता, तू क्या हमारे सामने बोलता है। एक दिन अपने पिता की तलाश में मनक निकल पड़ा और चलता चलता आचार्य संयमभव के पास पहुंचा। वो 7 साल का बच्चा संयमभव के पास पहुंचा, अपने पिता के इस महान संत जीवन को देखकर उसका हृदय भी बदल गया और उसने निर्णय लिया कि जिसका पिता अगर संत बना है तो मैं भी संत बनूंगा। और वो मनक छोटी सी उम्र में ही अपने पिता के सानिध्य में संत बन गया। संत बनने के बाद आचार्य संयमभव ने देखा कि अपने पुत्र का आयुष्य बहुत कम है और वो केवल 6 महीने में उसकी काया छूटने वाली है, सो उन्होंने अपने पुत्र की सदगति के लिए, संयम की आराधना के लिए एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम हुआ 10वें कालिक। जिस शास्त्र में मुनि अपने जीवन को कैसे जिए इस बारे में बारीकी से सारी जानकारियां समर्पित की गई है। आर्य संयमभव सूरी 80 वर्ष की उम्र में उनका देह विलय हुआ और उनके पट पर यशोभद्र सूरी हुए, यशोभद्र सूरी के पट पर संभूत विजय और आचार्य भद्रबाहु हुए। वही आचार्य भद्रबाहु जिन्होंने कल्प सूत्र आगम का लेखन किया, वही आचार्य भद्रबाहु जिन्होंने उवस्सग्रहम नामक महान स्तोत्र की रचना की। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आर्य भद्रबाहु का सबसे निकटतम और प्रियतम शिष्य था। आर्य भद्रबाहु के उत्तराधिकारी हुए, उनके पट्ट पर विराजमान हुए, उनके शिष्य हुए आचार्य स्थूली भद्र। वे ही स्थूली भद्र कि जिनके लिए हम मंगल पाठ गुनगुनाया करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम और मंगलम स्थूली भद्राद्या जिन धर्मोस्तु मंगलम। एकमात्र यही ऐसे संत हुए जिन्होंने मंगल पाठ में जगह पाई, आचार्य स्थूली भद्र। यही आचार्य स्थूली भद्र कि जिनका पहला चौमासा संत बनने के बाद उन्होंने एक वेश्या के जीवन को सुधारने के लिए, एक गलत राह पर चलने वाली नारी के जीवन को सुधारने के लिए उस नगर के जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान यानी कि सबसे प्रमुख जो वेश्या मानी जाती थी कोसा वेश्या के यहां उन्होंने अपना पहला चातुर्मास किया। कोसा वेश्या ने 1000 रिझाने के प्रयास किए संत को, 4 महीने तक लगातार वो संत को रिझाने का प्रयास करती रही पर संत अपनी साधना में लीन रहे। आखिर स्थूली भद्र के वैराग्य के सामने कोसा का राग हार गया, स्थूली भद्र के वैराग्य के सामने कोसा का राग और काम हार गया। और स्थूली भद्र तो न गिरे पर स्थूली भद्र के पावन वचनों से कोसा सुधर गई और उसने भी भगवान श्री महावीर के श्री चरणों में जाकर, भगवान के चरणों में जाकर दीक्षा का, शावी का जीवन का, शुद्ध संयममय जीवन जीने का संकल्प ले लिया। और इस तरह है आचार्य भद्रबाहु के, आचार्य स्थूली भद्र के पट पर आचार्य सुहस्ति सूरी हुए जिनका सबसे प्यारा भक्त राजा संप्रति था। राजा संप्रति हकीकत में सुहस्ति सूरी के ही खास शिष्य था और उसने अपने जीवन में, राजा संप्रति ने अपने जीवन में 1,00,000 मंदिरों का निर्माण कराया और 1,25,000,000 से ज़्यादा भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण कराया। राजा संप्रति ने जिन धर्म की जबरदस्त प्रभावनाएं की, उसने कई भोजनशालाएं, कई धर्मशालाएं, कई दानशालाएं भी खुलवाई और धर्म के प्रचार प्रसार के अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आचार्य सुहस्ति सूरी के शिष्यों में सुस्थित और सुप्रतिबद्ध हुए और उन्हीं के शिष्य इंद्रदिन्न हुए, इंद्रदिन्न के शिष्य दिन्न सूरी हुए और उनके शिष्य सिंहगिरी हुए, सिंहगिरी के शिष्य हुए वज्रस्वामी और वज्रस्वामी के शिष्य हुए आचार्य वज्रसेन सूरी। आचार्य सिंहगिरी
उनके शिष्य धनगिरी थे, वो अपने ही घर में आहार लेने के लिए गए। जब वो संत बने तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, पीछे से पत्नी ने जन्म दिया बच्चे को, लेकिन बेटा इतना शैतान निकला कि वो 24 घंटा केवल रोए जाए रोए जाए रोए जाए। एक दिन वो आचार्य धनगिरी अपने ही पत्नी के घर पर यानी अपने ही घर पर आहार के लिए गए। पत्नी गुस्से में भरी हुई थी, खुद तो संत बन गए और इस बेटे को मेरे पर छोड़ गई, दिन भर ये रोता रहता है, और वो बड़ी दुखी मन तो थी ही। जैसे ही अपने संत पति को आया हुआ देखा और उस पति ने कहा, जो भी हो आहार में दे दो, पत्नी गुस्से में भरी हुई थी, जल्ला पड़ी और चिल्ला कर कहा, आहार बाहर कुछ नहीं, ले जाने हो तो अपने छाती कुटे बेटे को ले जाओ, यही देती हूं मैं तुम्हें। और उसने अपने वो बेटा दे दिया। संत मुस्कुराए और उसे अपनी झोली में उठाकर रवाना हो गए। अपनी ही बेटी को झोली में डाला, पात्र को बाहर निकाला, झोली में अपने बेटे को डाला, साल भर का बेटा था, झोली में डाला, डाल के रवाना हो गए। गुरु जी के पास पहुंचे और जाकर कहा कि संत प्रवर, गुरु प्रवर, आज मैं आहार न लाया हूं पर वम बोल लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि बच्चा कितना पुण्यवान है, ये एक महान आचार्य का पुत्र है, और मैं आहार में, मैं झोली में आज ही लेकर आया हूं, जिससे संपूर्ण जिन शासन की प्रभावना होगी। और तब उन्होंने अपना ही बेटा जो अपनी पत्नी से झोली में बहर कर ले आए थे, उन्होंने अपने गुरु के सामने रखा, गुरु ने अपनी गोद में लिया, साध्वियों को और साविकाओं को उस बच्चे के पालन पोषण की जवाबदारियां सौंपी गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वहीं दिन भर थानक में ही रहता, दिन भर मंदिर उपाश्रय में रहता, और संत लोग आगमों का वांछन करते थे। बच्चा बचपन से इतना मेधावी था, एक बार जिस आगम को सुन लेता वो उसे याद हो जाता, और इस तरह 8 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को समस्त शास्त्र और आगम कंठस्थ हो गए। अब उसका नाम फैलने लगा, चारों तरफ उसकी कीर्ति फैलने लगी, लोग उसकी जय जयकार करने लगे। 45 आगम का 8 वर्ष का बच्चा ज्ञात हो, चारों तरफ उसका नाम और यश फैलने लगा, चारों तरफ उसकी यशो गाथाएं फैलने लगी। जब माँ ने ये सब सुना तो उसका मुंह जगा, उसे लगा नहीं मैंने गलती की बचपन में अपने बेटे को देकर। वो वापस अपने पति और पति के गुरु धनगिरी और सुहस्तिसुरी के पास आई और आकर कहने लगी, आर्य संगगिरी धनगिरी, मेरा बेटा मुझे वापस लौटाओ। संतों ने कहा, जो चीज हम झोली में डाल कर लिया था ना, वो तो हमारी हो जाती है, फिर लौटाते नहीं है, अब तो ये हमारा ही रहेगा, अब ये लौटाया नहीं जा सकता। आखिर माँ गई राजा के पास शिकायत की, राजा को भी लगा कि बेटे पर तो माँ का ही सबसे ज्यादा अधिकार होता है। उन्होंने आचार्यों को अपनी राजसभा में बुलाया, आचार्य ने कहा, हम प्रेम से इसका बेटा लौटाने को तैयार है, राजन माँ को भी बुला लो और हम भी आ जाते हैं, बेटे को आप अपने पास गोदी में बैठा लो, आप उस बच्चे को हक दे दो, उसी को कह दो कि वो जिधर जाना चाहे जाए, अगर वो हमारे पास आया तो हमारा और माँ के पास गया तो माँ का। राजा को लगा न्याय तो बिल्कुल ठीक है, बच्चे पे छोड़ दो, जो उसे पसंद आएगा उस और वो चला जाएगा। पहला अवसर माँ को दिया, 8 वर्ष का बच्चा, माँ कई तरह के खिलौने लेकर आई, कई तरह से माँ ने लुभाना चाहा, पर बच्चा तो वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ा था, और बच्चे को खबर थी कि ये वही माँ है, जब मैं बचपन में रोया करता था तो उठाकर इसने घर से मुझे रवाना कर दिया, आज मेरा नाम फैल पड़ा है तो वापस मुझे घर पे बुलाना चाहती है। माँ ने कई तरह के प्रलोभन देने चाहे पर बच्चा तैयार न हुआ। बारी अब थी गुरुजी की, गुरुजी के पास और तो कुछ न था, उन्होंने अपना ओघा उठाया, इसे क्या कहते हैं, रजोहरण, इसे कहते हैं ओघा रजोहरण, उन्होंने ये उठाया, बेटा हमारे पास तो ये है, अगर लेना हो तो आ जाओ। बच्चा आया, गुरुजी के हाथ से उसने रजोहरण लिया और भरी राज सभा में उसने रजोहरण को हाथ में उठाया और भावपूर्वक नृत्य करने लगा, और कहते हैं उस बच्चे की दीक्षा और संन्यास उसी राजसभा में ही संपन्न हो गया, वो वहीं पर संन्यस्त हो गया, उससे जिन शासन की प्रभावना हुई। और उनकी पट्ट परंपरा में, आचार्य वज्रसेन सूरी की पट्ट परंपरा में देवर्दी गणी क्षमा शरणमा संत हुए, जिन्होंने संपूर्ण 45 आगमों का 32 आगमों का संकलन किया। उन्हें लगा कि अब तक सारे आगम कंठस्थ रखते आए हैं, लेकिन मनुष्य की सीमित बुद्धि है, कभी भूल न जाए इंसान, इसलिए इन सारे आगमों को लिपिबद्ध कागज में, ताड़पत्र में लिख दिया जाए। और तब आचार्य देवर्दी गणी ने एक महान बैठक बुलाई, देश भर के समस्त विद्वान आचार्यों को इकट्ठा किया और सब इकट्ठे होकर जिसको जितने आगम कंठस्थ थे उसका लेखन हुआ, और उस तरह वहां पर 32 और 45 आगमों को लिपिबद्ध किया गया और मानवता के उन शास्त्रों को समर्पित किया गया। इस तरह जिन शासन में, जिन धर्म में और भी कई महान आचार्य हुए, दादा गुरुदेव जैसे आचार्य हुए, आचार्य हेमचंद्र जैसे आचार्य हुए, हरिभद्र सूरी जैसे आचार्य हुए,
जिन दत्त सूरी कुशल सूरी जैसे आचार्य हुए, हीर विजय सूरी जैसे आचार्य हुए, लौंका शाह जैसे संत हुए, भीखण जी जैसे संत हुए, कई कई संत हुए जिन्होंने जिन धर्म को नई परंपरा, नई सोच, नए आयाम दिए और इस धर्म के मार्ग को तीर्थंकर की अनुयायी बनकर सदा सर्वदा आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इस तरह कल्पसूत्र में यह स्थविरावली यानी संतों का जीवन चरित्र पूर्ण होता है। कल्पसूत्र का जो अंतिम चरण है केवल 5 मिनट का, वो है कि संत जीवन में पर्युषण और चातुर्मास में अपने नित्य कर्म की व्यवस्थाओं को कैसे संपादित करें। पर्युषण पर्व में और संवत्सरी पर्व में और चातुर्मास के अंतर्गत कई तरह के विधि विधान संतों के लिए कहे गए। कल्पसूत्र का पहला कहना है कि मुनि चातुर्मास लगने के 50वें दिन संवत्सरी पर्व की आराधना करें। कल्पसूत्र का दूसरा सूत्र है कि मुनि चातुर्मास के दौरान 5 मील तक कहीं भी आ सकता है और जा सकता है। चिकित्सा औषधि वगैरह के लिए चातुर्मास के दौरान कहीं दूसरी जगह भी 5 दिन या 5 रात तक रह सकता है। तीसरा सूत्र यानी तीसरा मार्ग जो दिया गया वो है मुनि आहारचर्या आदि के लिए पुल के अभाव में नदी को तैर कर चल कर भी पार कर सकता है। जंगा पर्यंत पानी हो तो वह चल कर नदी के उस पार जाकर भी आहार लेकर वापस इस ओर आ सकता है। चौथी समाचार में कहा गया कि मुनि जिसके निमित्त से जो चीज़ लाए वह उसी को प्रदान करे, यानी कोई बीमार संत है, वृद्ध संत है, रुग्ण संत है, उसके लिए अगर कोई आहार लाया है तो मुनि खुद ना खाए अपितु वो आहार उन्हें समर्पित करे। और पांचवी समाचारी है कि मुनि रसों का पुनः पुनः सेवन न करे। शराब मांस इन सब का तो मुनि सर्वतो भावे न त्याग कर दे, लेकिन दूध दही मक्खन घी तेल गुड़ इन सब का भी ज़्यादा सेवन न करें। आवश्यकता के अनुसार सीमित मात्रा में इनका सेवन करें, क्योंकि इनका ज़्यादा सेवन करने से गरिष्ठता जीवन में आती है। छठी समाचारी कही गई कि मुनि रुग्ण साधु के लिए आहार आदि की जितनी जरूरत हो उतना ही गृहस्थ के घर से स्वीकार करें। सातवीं समाचार में कहा गया कि मुनि गृहस्थ के घर से अदृष्ट वस्तु की चाहना न करें, फिर चाहे वह गृहस्थ कितना भी श्रद्धालु क्यों न हो, क्योंकि अगर उसके पास वो वस्तु न होगी तो उसका मन दुखेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अमुक चीज़ ले आओ, आप मेरे कितने भी करीबी हैं पर मुझे अगर खबर है कि आपके पास वो चीज़ है तब तो मैं मंगवाऊँ, पर अगर मुझे खबर नहीं है तो मैं आपको न कहूँ, हो सकता है वो आपके पास न हो और आपका मन दुखे, महाराज ने चाहा और मैं उन्हें नहीं दे पाया। मुनि के लिए 8वां सूत्र कहा गया कि मुनि को आहारचर्या 1 बार करनी चाहिए। यदि कोई अध्येता है, ध्यान साधक है, रोगी है तो वो 1 बार से 2 बार आहार ले सकता है। स्वस्थ मुनि को सदा 1 बार ही आहार लेना चाहिए। तपस्वी के लिए 1 उपवासी को 1 बार, 2 उपवास करने वाले को 2 बार और 3 उपवास करने वाले को 3 बार तक आहारचर्या का विधान दिया गया। 9वीं समाचारी के अनुसार साधु को अचित्त जल का ग्रहण करना चाहिए। पानी को अचित्त करने के उपाय बताए हैं, उसमें आंवला डाल दे, इमली डाल दे, जौ डाल दे, चावल डाल दे तो वो धोवन का पानी हो जाता है और धोवन जल और नारियल के जल को मुनि स्वीकार कर सकता है। वह उबले हुए पानी को भी ले सकता है। 10वीं समाचारी में संख्या दत्तिक कि मुनि एक सीमित मात्रा में भोजन स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि जो मिला सो खाया ही जा रहा है, मैं 5 कौर खाऊंगा 10 कौर खाऊंगा 20 कौर खाऊंगा, लेकिन एक संख्या निर्धारित कर ले कि इससे ज़्यादा मैं भोजन नहीं करूंगा। मुनि के लिए कहा गया वो 11वां नियम बताया गया कि मुनि अपने प्रवास स्थल से 7 घर छोड़कर आहारचर्या करें, क्योंकि जो निकटवर्ती घर होता है वहाँ अगर बार बार जाएंगे तो उसका मन भर जाएगा कि महाराज तो जब भी देखो हमारे घर पर आ जाते हैं, तो थोड़े दूर दूर के घरों में भी आहारचर्या के लिए जाने की कोशिश करें। 12वां नियम मुनि के लिए बताया गया कि मुनि बारिश के दौरान आहारचर्या आदि के लिए न जाए। 13वीं नियम के अंतर्गत बताया गया कि मुनि खुले मैदान में या जहाँ पर छत न हो, ऊपर छत जरूर हो, जहां पर छत न हो ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन न करें। 14वां नियम बताया गया कि मुनि रुग्ण मुनि को बिना पूछे उसके लिए आहार लेकर न आए। 15वां नियम बताया गया कि मुनि गीले कपड़ों में न रहे और न ही गीले कपड़ों में भोजन करें। 16वां नियम मुनि के लिए बताया गया कि मुनि यत्नपूर्वक अपनी गतिविधियों को सजगतापूर्वक पूरा करें और सूक्ष्म जीवोत्पत्ति की संभावना को देखते हुए पडलेहन आदि भी करता रहे। 17वां नियम मुनि के लिए बताया गया कि मुनि आहार विहार के लिए गुरु से अनुमति ले और उनकी आज्ञाओं का सम्मान करें। 18वां नियम बताया गया कि मुनि अपने वस्त्र पात्र आदि समय समय पर धूप में रखता रहे और धूप में रखने के बाद समय बीतने पर वापस उसे अपने समेटने की पूरी सजगता रखे। 19वें नियम के अंतर्गत बताया गया कि मुनि सोने एवं बैठने के लिए तख्ती या चौकी का प्रयोग करें, क्योंकि कच्चे मकानों में जीव जंतु रह सकते हैं। मुनि अगर नीचे सोएगा तो मुनि को खुद को भी दिक्कत हो सकती है और जीव जंतुओं के विराधना का दोष भी लग सकता है।
20वां नियम बताया गया कि मुनि को समिति एवं गुप्ति का पालन करना चाहिए, उन स्थानों का प्रतिलेखन करना चाहिए जहां पर वह स्थंडल या विसर्जन करता है। 21वें समाचारी यानी 21वां नियम बताया गया कि मुनि वर्षावास में मिट्टी आदि के 3 पात्र अपने पास रख सकता है। 22वें नियम में बताया गया कि मुनि केश लुंचन करें, लेकिन अगर कोई वृद्ध है, कोई रुग्ण है, कोई असमर्थ है तो वह कैंची या छुरे से मुंडन भी करवा सकता है। 23वें नियम में कल्पसूत्र ने कहा है कि साधु साधियों को, मुनिजनों को ऐसा वचन कतई नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो या क्लेशकारी हो। हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, परस्पर सौहार्द बनाए रखना चाहिए और संवत्सरी पर्व बीत जाने पर उस दिन अपने द्वारा की हुई छोटी से छोटी गलती के लिए भी मिच्छामि दुक्कड़म यानी आई एम सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म के पाठ का अवश्य उच्चारण कर लेना चाहिए। 24वां नियम दिया गया, मुनि संवत्सर के दिन स्वयं से जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। वाणी के दोस्तों फिर भी पहचान लिए जाते हैं, लेकिन मन में विकल्प बार बार उठ सकते हैं और उन विकल्पों में व्यक्ति किसी प्रकार का कोई गलत काम, गलत अपराध या किसी के प्रति गलत सोच बना सकता है। तो संवत्सर के दिन अपने द्वारा किए गए उस हर अशुभ क्रियाकलाप के लिए, जिसको हम कल और परसों दो दिन संपन्न करेंगे, उस दिन व्यक्ति अंतःकरण से क्षमा याचना अवश्य कर ले, अपने वैर विरोध और कषाय को समाप्त कर ले। 25वां नियम मुनि के लिए कहा गया कि मुनिजन चातुर्मास के निर्धारित मकान की आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे बाढ़ आ जाए या उपाश्रय मकान आदि ढह जाए। 26वां नियम बताया गया कि शिष्य आहारचर्या इत्यादि के लिए जाते समय गुरु को यह बताकर जाए कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर मुनि को ढूंढा जा सके। 27वां नियम मुनि के लिए बताया गया कि मुनि चातुर्मास के दौरान चिकित्सा आदि व्यवस्था के लिए 32 मील तक जा सकता है और वापस लौटकर आ सकता है। कल्प सूत्र में इस तरह मुनि जीवन को होश पूर्वक, सजगता पूर्वक, विवेक पूर्वक, यत्ना पूर्वक जीने के कुछ पावन नियम दिए गए, जो मुनिजनों को इन सब बातों का अपने जीवन को जीते समय ध्यान रखना चाहिए। इस तरह विगत 6 दिनों में हमने कल्प सूत्र का पालन किया, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को सुनने का सौभाग्य पाया, कुछ जिन धर्म परंपरा के नियमों की हमने जानकारी प्राप्त की, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कोई वचन जिस वचन ने आपके मन को कोई पीड़ा पहुंचाई हो या धर्म परंपरा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई वचन उच्चरित हुआ हो, तो अपनी अज्ञान दशा के लिए स्वयं को अज्ञानी मानते हुए मैं वीतराग प्रभु से और आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ।